हेलो दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पे वन प्लस नोट सी टू लाइट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, 5G का। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये है तबाही। ठीक है दोस्तों, तो इसको अभी हम लोग फिलहाल साइड में रखते हैं, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, देखते हैं डिब्बा के अंदर में क्या क्या है। स्टिकर वगैरह कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है दोस्तों, और इसमें रेड केबल वाला वही कार्ड दिया हुआ है जो वन प्लस में रहता है। और ये देखिए, इसमें 33 वाट का चार्जर दिया हुआ है, सुपर बुक चार्जर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फास्ट चार्जर है। और ये देखिए, इस पर केबल दिया हुआ है, ठीक है, केबल है हम लोग का दोस्तों टाइप सी। ठीक है दोस्तों, टाइप सी केबल है। और ये ओपनर दिया हुआ है, ठीक है, यही सब दिया हुआ है, इसको साइड में रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोन का। लुक तो देखने में बहुत ही गजब है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, ठीक। और इसमें मेगापिक्सल जो इसका दिया हुआ 64 मेगापिक्सल दिया हुआ है, और बैटरी एमएच जो इसका 5000 mAh का बैटरी है दोस्तों, और ऑक्टाकोर 2.2 GHz का दिया हुआ है प्रोसेसर इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये सेट अब ऑन करने के बाद देखते हैं कैसे चलता है। चलिए इसको जल्दी से जल्दी सेटअप कर लेते हैं हम लोग। जब तक हम लोग मोबाइल को सेटअप कर रहे हैं दोस्तों, तब तक अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, फाइनली सेट हम लोग का ऑन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और इस पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसका। इसका हम लोग यार ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओ भाई, ये तो वो दूसरे वन प्लस से कुछ अलग है यार। ठीक है, ये देखिए, इस पे चलते हैं हम लोग सेटिंग में। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों अबाउट पे। अबाउट पे देखिए दोस्तों, इसमें आपका 69.5 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको लाइट को थोड़ा ई कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर से दिखे। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेसर दिया हुआ है इसका, और ये देखिए, इस पर हम लोग आते हैं, और वर्जन जो हम लोग का एंड्रॉयड वर्जन जो है 12 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसका बात हम लोग मेरा पिछले वीडियो में हम लोग कर रहे थे कि 11.12 का, तो इसमें 11.12 दिया हुआ है दोस्तों। और ये सेट कुछ 11.12 से मतलब 11.11 से कुछ अलग है दोस्तों। और ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है जो बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और ये देखिए, साइड से एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये न्यू विंडो का ऑप्शन जो आ रहा है, ये यूनिक है, एंड्रॉयड 11 से बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट है। अभी तक तो इसका जितना फीचर्स है हम लोग को पता नहीं है, बट आगे यूज करेंगे तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग से शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो कॉलिंग है, कॉलिंग पर भी हम लोग देख लेते हैं, कॉलिंग भी ज़बरदस्त दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो मेन स्पेशल बात था, जो कैलकुलेटर जो आपके वॉलपेपर के हिसाब से चेंज होता था, वो चीज़ अगर इसमें होता कि नहीं होता, हम लोग चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेटर में तो कुछ हमको ऐसा नहीं दिख रहा है, जैसे कि 11 में एंड्रॉयड 11 में बात किया जा रहा था कि आपके वॉलपेपर के हिसाब से चेंज होगा, वैसे कुछ इसमें देखने को नहीं मिला है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस यहाँ से बैक आते हैं। उसके बाद हम लोग को और एक चीज़ बताया गया था SMS के बारे में। ठीक है दोस्तों, उस पर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, SMS पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, इस पर भी कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। अब 11.12 जो बोला गया कि आपके वॉलपेपर के हिसाब से चेंज होगा, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट जो चल रहा है वो यूनिक चल रहा है, 11 से बहुत ही बेटर चल रहा है, और आप लोग को 11 से बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। ये मोबाइल हम लोग का है वन प्लस नोट 2 CE 5G है। ठीक है दोस्तों, और इसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग किए हैं। ये 33 वाट का उसका चार्जर है, और ये टाइप सी केबल है, और इस पर केस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, इस पर केस दिया हुआ है, केस बहुत ही सॉफ्ट है, आप केस लगा के देखते हैं। केस भी वही जो मिलता है वही है, और केस लेकिन जबरदस्त है, इसका लुक बहुत जबरदस्त है, आपका नोट 2 से मैच करता है लमसम। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक फर्क है, इसमें साइड फिंगर है, और नोट 2 में आपका फिंगर यहाँ सेंटर में मिलता है, डिस्प्ले में डिस्प्ले फिंगर था उसका। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ उससे अलग है, बहुत ही यूनिक अलग है। ये देखिए, आप लोग जो पैटर्न यहाँ से स्वाइप करिएगा वो भी अलग है,
इस साइड से करिएगा तो आपका नोटिफिकेशन ऑन होगा, और इस साइड से होगा तो आप जो उसमें वर्क कर रहे हैं वो चीज़ ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमको एक अच्छा लगा, और बाद बाकी इसका फीचर्स अभी देखते हैं, उसके बाद आप लोग को कुछ दिन के बाद अपडेट देते हैं कि इसके बारे में 11 12 का क्या फीचर्स है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही।